क्लास 7th का एक्सरसाइज 2.3 का 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिफ्थ पहले करा दिए हमने। ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है सिंपली, ऐड मतलब जोड़ यानी सम करना। तो ध्यान रखना ये ऐड करने का बहुत ही आसान सी बात है, सिंपल, जैसे आप बचपन से जोड़ते आए हो। लेकिन इसमें कैसे पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है, बस एक ही पॉइंट है इसमें समझने का कि पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है, ठीक है। और 35.55 सिर्फ पॉइंट के सामने पॉइंट रखते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो 5, 5, 10, 12 का 2 कैरी है यहाँ पे 1, ठीक है। 6 और 2 कितने हो गए 8 और एक 9, 9 और 5 14 का 4 कैरी, फिर यहाँ पे 5 और 5, 10, 12 and 13 का 3 कैरी, फिर 1 बैठ गया। 3, 4, 5 and 6 क्या होगा 63। पॉइंट जहां है बिल्कुल उसके सामने लगेगा। यार ये सिंपल सा ऐड था, ये आप कर रहे हो, इसलिए मैंने ऐड के ज्यादा नहीं किए हैं। सबट्रैक्ट के मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं, जिसको हम डिफरेंस भी कहते हैं। डिफरेंस का मतलब ही सबट्रैक्ट होता है। इसमें भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट कहां पे रखना है, पॉइंट के सामने पॉइंट। अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो जहां पे वो नंबर यानी जहां पे वो डिजिट खत्म होती है वहां पे पॉइंट लगा दें, ठीक है। आप लिखेंगे 1, 2, 6, ध्यान रखें पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए। आप बोले थे यहाँ पे तो पॉइंट था ही नहीं था, तो जहां पे वो नंबर खत्म होता है उसके बाद पॉइंट पॉइंट मान लिया जाता है। कुछ नहीं है तो ऊपर 0 लगा लेंगे, माइनस कर, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। 10 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा 5, 10 देख ली हमने यहां से कैरी किया इधर, तो यहाँ पे कितना हो गया 10, फिर यहाँ से यहाँ पे ले यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे हो गया 10, फिर यहाँ से यहाँ पे ले यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे होगा 9, फिर यहाँ से यहाँ पे ले यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 9। 10 में से 5 गए तो कितना बचा 5, और 9 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, पॉइंट के सामने पॉइंट। 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा 3, 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा 7, और 2 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो ये आएगा हमारा आंसर 173.25, ठीक है। उसके बाद सेम आ गया 3, 4, 8, 5, 0.26। ध्यान रखना ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पॉइंट के सामने पहले पॉइंट लगाना, फिर लिखो 1, फिर लिखो 3, 5 यानी पीछे वाला हिस्सा लिख लिया, फिर लिख लो इसको 3, 2, 1, 2, 5, और इसके ऊपर तो कम है अपने आप से 0 लगा लेते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद ही लगा सकते हैं 0, फिर वही बात इसी इधर ले लिया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितना बचा 5 में से 3 गए कितना बचा 2, यहाँ 2 में से 1 गए कितना बचेगा 1, 5 में से 3 गए तो 2, 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 गए तो 3, 3 में से 2 गए तो 1, ये इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई। 8th क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर, इसमें हमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो आपको देखना है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0.6 है, यहाँ पे 0.06, यानी ये 6 पैसे है और ये 6 पैसे से भी कम है, यानी पॉइंट के बाद की डिजिट देखते हैं क्या ये डिजिट सेम है, नहीं, कौन सी कम है, ये वाली कम है, कैसे कम है, यहाँ 0 है यहाँ पे 6 है, तो कौन सा ग्रेटर होगा 0.6 इज ग्रेटर। इसमें देखिए पहली डिजिट सेम है, हाँ इसकी भी सेम है, थ्री दूसरी डिजिट सेम है, दूसरी डिजिट सेम है, पॉइंट पॉइंट 3, 4, यानी कौन सी डिजिट ज्यादा है, ये वाली ग्रेटर, किसके कंपेयर में इसके, तो कौन सा ग्रेटर हो गया ये 2, 3.41 इज ग्रेटर। 11th क्वेश्चन, पीछे की वीडियोस में मैंने भी क्वेश्चन करा दिए, रिवाइज इसलिए कराए थे बहुत जरूरी थे, टाइम कम समझ में नहीं आया कॉपी पे। देखिए हाउ मच लेस इज 17 किलोमीटर फ्रॉम 228.3 किलोमीटर, 28.3 किलोमीटर से 17 कितने किलोमीटर कम है, ये हमें बताना, बहुत इजी सा क्वेश्चन, आई होप आपने कर भी लिया होगा, लेकिन फिर भी मेरा तो काम है कराना। पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हमने बाद में लगाने के लिए बोला है, और कुछ नहीं होता तो 0 लगा देते हैं। 3 का 3 हो गया, 8 में से 7 गया 1 और 2 में से गया 1, तो 11.3 किलोमीटर ये आंसर आ गया। समझ में आया बात कि 28 है ये आइटम्स। हमें ये बताना है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टोर हु बॉट मोर आइटम्स एंड क्वांटिटी एंड बाय हाउ मच, अगर कम दिख रहा है तो आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा, उसमें क्वेश्चन आंसर दिख जाएंगे। आपको बताना है राधा और रश्मि जो खरीदेंगी उनमें से कौन ज्यादा खरीदता है, रेशमा में से कौन ज्यादा खरीदता है और कितना ज्यादा खरीदता है। तो पहले मैं राधा के बारे में लिख लेता हूं, राधा, तो मैं एक एक करके लिखता हूं कि पटेटोज वो कितना खरीदे उसने,
उसने खरीदे 2 kg एंड 250 ग्राम। उसके बाद उसने कैबेज 1 kg 450 ग्राम। उसके बाद उसने ऑनियंस 2 kg 670 ग्राम। उसके बाद उन्होंने जिंजर 275 ग्राम। ओके, ये तो राधा थी। फिर वही एक रह गया, वो पी रह गया बटर। तो उसने जो पी खरीदी थी वो की थी 1 kg 450 ग्राम। थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई। देखो यहाँ पे उन्होंने 2 kg 250 पोटैटो खरीदे, बिल्कुल सही। 1 kg 30 ग्राम 300 ग्राम क्या भी खरीदा, तो 1 kg 300 ग्राम, ठीक है। और बाकी सब ठीक, ऑनियंस हो गया, जिंजर हो गया, प्योर। ये तो बात थी किसकी, राधा की। अब बात कर लेते हैं रश्मि रेशमा की। रेशमा का क्या फंडा है, यही वही बात है कि इन्होंने क्या ऑनियन खरीदी है, ऑनियंस खरीदे इन्होंने 3 kg 10 ग्राम। टमाटोज इन्होंने कितने खरीदे हैं, 1 kg। और ग्रेप्स इन्होंने कितने खरीदे हैं, 560 ग्राम। ध्यान रखना ग्राम के सामने ग्राम और केजी के सामने केजी। पपाया, पपाया खरीदा है इन्होंने 1 kg 780 ग्राम। और एप्पल्स खरीदे इन्होंने 11 kg 655 ग्राम। आपको एक बात बता दीजिए, 1000 ग्राम में 1 kg होता है, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने 0 kg लिख सकते। अब इनको ऐड कर लीजिए, 0500 यानी क्या हो गया, 5 5 5 7 7 14 14 और 10 कितना हो गया, 24 24 का 4 कैरी 2 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया 6 और 6 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19 19 का 9 और जो कैरी हो जल्द ऐड हो जाए, ठीक है। कितना है, 1 2 2 और 2 4 5 6 और 7। तो ये वाला ऐड करेंगे हम 0005 5 और तुम्हारा ये हो गया 6 और 6 12 और 8 20 की 0 carry 2 6 7 8 8 और 8 कितना होगा 16 16 हो गया, यानी एक कम 15 15 और 20 यहाँ पे भी 20 हो गया, तो 20 की यहाँ पे भी 0 आएगी। ध्यान रख लेना कि जो 2 है वो 2000 हो जाएगा, वो 2 इधर आ जाएगा, तो 11 12 13 14 15 16 एंड 17, तो 17 kg और 0.5 ग्राम कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए इसका कितना है, 7 kg है और इसका क्या है, 17 kg है, तो ऑब्वियसली इसका ही ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है वो माइनस करके दिखाएंगे, 17 kg से 005 से 7 kg को 945 को माइनस करें, 5 से 5 जाएंगे 0, यहाँ हो गया 10, 10 से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचा 9 से 9 जाएगी तो 0, और यहाँ पे क्या बचा 6 और 6 यानी होगा 16 16 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 kg, ठीक है आंसर। तो ये वाला 13 क्वेश्चन है। और पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि आंसर डिफरेंस है, वो इसलिए क्योंकि एप्पल वहां पे 1 kg 655 ग्राम था, मैंने 11 kg लिया, तो अकॉर्डिंग मी मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही था, अकॉर्डिंग बुक के वो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था, तो वो गलत होता भी, तो आप उसे वन कर लेंगे तो आंसर उसी के अकॉर्डिंग आएगा, यानी मेरा जो किया था वो बिल्कुल सही था। अब देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को पूरा करना है, मैंने टेबल से 2 बताई ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ 2 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे पॉइंट है 450 ये नंबर, तो वो कहना चाह रहे हैं कि आखिर इस खाली जगह पे क्या है। आप अच्छे से नोट कर सकते हैं 2 है 3 है क्या बच रहा है, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए 5, तो दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए 5, फिर क्या आना चाहिए 3, यहाँ 3 फिर पॉइंट फिर 709, तो आंसर